चुका है भाई, 1 बज रहे हैं और 11:30 बजे मैं सोकर उठ चुका था। तब से जुगाड़ करते घूम रहे, अगर चॉपर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर हमें ना कहीं और का घूमने को जगह मिल जाएगी यहाँ के अलावा। बट वो ट्राई कर रहे हैं, अगर चॉपर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। नाली भाई बताया चॉपर मिल जाए कहीं अभी? हाँ अभी जाना पड़ता है उधर, वहीं जाना मिलेगा यहाँ से मिल जाए। नहीं नहीं हर के जाना पड़ेगा आपको। ये खड़ी अपनी कार, कार नहीं ये है हाहाकार, बहुत लोगों का इसने जिन हराम कर रखा है। वैसे भी तो अभी नंबर नहीं चढ़ा, उससे पहले ही हमारा भाई हो चुका है नहा के रेडी, सब रेडी हो चुके हैं। तुम्हारे भाई ने पहन ली जैकेट, क्योंकि ऊपर जाकर ठंडा है। एक बार भाई क्या हुआ था, लास्ट टाइम हाँ मैं एक बार आया था 2018 में, 18 से नहीं मैं 2017 में आया था, और मैं ऐसे टोरे टोरे के अंदर ना ऊपर चला गया। जो भाई साहब तुम्हारे भाई को ठंड लगी ना, जो कापा है ना, वो देखो जब चढ़ते हैं जब तो नहीं लगती ठंड, और जब वहाँ जाके वेट करते ना, जैसे लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए, भाई जो हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई नीचे से जाओ तो नीचे गर्मी होती है, ऊपर फिर भी ठंड मिलेगी आपको। तो तुम्हारे भाई ने जीन्स, ये देखो जीन्स जूते और ये पहन रखा है। बम्बू ने भी सेम पहन रखा है। वहाँ से यात्रा की पर्ची लेनी पड़ेगी। पर्ची रहेगी मेरे पास? नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले लिख रहा हूँ कार्ड में। मैं अभी रेलवे स्टेशन से कुछ इस तरीके का कार्ड मिला है, ये तो पहली बार देखा है मैंने कुछ, एंड ये बोलो इसके बिना आपके दर्शन नहीं होंगे। ऑटो में जाएंगे हम तो, गाड़ी में तो ऑटो ही अपने पास। हाँ ऑटो ऑटो एक भी ले जाएगा, समझना अलग अलग बुझेंगे यार, कितने रुपए लेगा तक। और ये फ्री में मिलता है, कोई चार्जेस है नहीं इसके। भाई ये कार्ड अब से कब से स्टार्ट किया ये वाला? 3-4 महीने हो गए। ओके 3-4 महीने से स्टार्ट हुआ। मैं बोल रहा था ना क्योंकि पहले कभी ऐसा वाला सीन नहीं था, पहले एक पर्ची थी बस, उसी से दर्शन हो जाते थे। तो भाई यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है अपनी चढ़ाई की और जाती है ऊपर तक। भाई फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 3:30 और अभी तुम्हारे भाई ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, सिक्योरिटी चेक सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। चले भाई चले, एक बार जयकारा लगा देते हैं, बोल साचे दरबार की जय। चलो की जय। भाई ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में, एक बार थोड़ा सा साथ चला था। हाँ जी भाई जी कैसे हो? तो स्टार्टिंग की कुछ देर लगता है कि साथ चल रहा है कुछ हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा 1.5 से 1.5 किलोमीटर चल लेते हैं आप, उसके बाद आदत पड़ जाती है। और फिर कितना किलोमीटर खींच दो, अपन जैसे जिम भी करते रहते हैं, कार्डियो भी करते हैं, और वैसे भाग दौड़ बहुत होती रहती है, तो इस वजह से अपने को थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो कैसी मिलेगी। हाँ अरे भाई ब्लॉग देख रहे हो ठीक है, ऐसा ऐसे सही सब्सक्राइबर ले रहा हूँ यार यहाँ पे भी। मैं एक ना ट्रिक बताता हूँ, कभी घर वालों को ना चढ़ाने की जब थकने लगते हैं लोगों, बस 200 मीटर रहेगा, 100 मीटर रह गया, ऐसे कर करके पूरी चढ़ाई चढ़वा दो। लो भाई हमने ले लिया शॉर्टकट सीढ़ियों से, फिलहाल हमने शॉर्टकट लिया था, बट हम कर रहे हैं वेट घर वालों का, पीछे रह गए भाई बम्बू देखिए दिख ना रहे। वैसे सही बात है, बम्बू तो पता भी ना चल रही कि कुछ ऐसा लग रहा है, हवा गैल उड़ाई जा रहा है ना एक पंखे की तरह। देखो भाई 2-3 चीज़ है जो मैंने अभी फेस की, एक तो भाई जिम वाले बंदे जो मैंने जिस लेग्स लगाता हूँ भाई, हमारे लेग्स इतने ज़्यादा पंप हो गए मेरे हिमांशु के, मतलब बहुत ज़्यादा, जो लोग जिम जाते होंगे उनको तो समझ में आ गया। और भाई सब फुल ऐसा लग रहा है कि जिन कितने तगड़े लेग्स हो रखे फिलहाल, और अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ चढ़ने में। ऊपर से जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद पिकअप सब खत्म हो जाता है, मतलब एक बंसा टूट जाता है, फिर पीछे छोड़ देना तो भाई बॉटम होता है उनको आने में। घोड़े खिच्चर मैंने लेने के लिए मना कर दिया था, मगर देखो मन्नत तुमने मांगी है तो तुम्हें मेहनत करनी है, तो तुम अपना बोझ ना किसी दूसरे जानवर पे मत डालो, किसी दूसरे उस पे जीव पे मत डालो। तुमने मन्नत मांगी थी तुम्हें दर्शन करने हैं, तो तुम दूसरे के ऊपर मत बैठो, तुम्हारे बस की है तो चलो, नहीं तो अपना हेलीकॉप्टर ले लो। जिन पे यार देखो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई सबका बजट नहीं होता हेलीकॉप्टर लेने का, भाई 1500 रुपये की टिकट है, 850-900 रुपये दिए वैसे भी खिंच के ले लेते हैं। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ मैं मत लो, बट भाई देखो बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ आई थी जिसमें कि जबरदस्ती उनसे पुश कर रहे थे उनके बस के भीतर चलना, तो वो चीज़ें देख के बुरा लगता है। और खास करके ऐसे धार्मिक जगह पे जहाँ पे आप मन्नत मांगने आ रहे हो, आपकी मन्नत पूरी हो गई है, फिर आप वहाँ जाके और मन्नत आपने मांगी है पूरी आप करो, किसी दूसरे जानवर पे या किसी पे आप बोझ मत डालो। चला जाता है चाहे आप पे 1 घंटे में हो चाहे आप 10 घंटे में करो, करना है तो वैसे करो, नहीं तो रहने दो। देखो मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से सब्सक्राइबर में मिले थे भाई, उनको भी नहीं बोल रहा हूँ,
ये मेरा ओपिनियन है जो मुझे लगा, क्योंकि मैं हमेशा आया हूँ, मैं वैष्णो देवी एक बार नहीं आया, मैं बहुत बार आया हूँ, हमेशा मैंने पैदल किया है। अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा। जो इसने खेच खेच के चलाया ना मुझे आज, तो दूसरे को अगर ये मेरे को ना वो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर भी ना मिलेगा तो यार क्यों किसी, तूने मन्नत मांगी तो अपनी पूरी कर। चलो कमाल बैठ लिया, हम बैठे भी ना। चलो चलो अगर आप घर वालों के साथ आ रहे हो ना, एक फायदा तो है कि आप आगे चलो, आप रेस्ट भी कर लोगे, उनका वेट भी कर लोगे। जैसे ही है ना तुम्हारा रेस्ट कंप्लीट हो, तुमने रेस्ट कर लिया और घर वाले आगे, उस टाइम चलो भाई, चलो आगे चलो, खड़े हो लो, चलो चलना है। तो भाई फिलहाल अभी हमने रूट ले लिया नया वाला, जो अर्धकुंवारी से सीधा जिससे जिसपे ना बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती है वो वाला। अब बैटरी वाली गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत लंबी लाइन है। और भाई अपने यहाँ सब्सक्राइबर मिले थे तो वो कह रहे थे उनके पास जगह है तीनों को, तीन बंदों को ले जाने की, पर भाई घर वाले बोले कि नहीं, जब इतना कवर कर दिया यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर आ गया, 4 किलोमीटर तक गाड़ी से जाएंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर फिर दोबारा पैदल, तो क्या लगे छोड़ चलते हैं। बेटा क्या बोलूँ मैं, तो एक पेटी ली माँ कसम वाप ले छीन के हाथ में, तो ऊपर लाइन देख ऊपर। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी और भाई यहाँ पे चल रहे हैं अपने चावल, वो है कड़ी चावल, ये है राजमा चावल। फिलहाल आरती हो रही है, इतना हम पी रहे हैं कॉफी और टाइम हो चुका है 8 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 4-5 घंटे के अंदर हमने भाई चढ़ाई कंप्लीट कर दी, बट अब सीन ये हो चुका है कि यहाँ से आगे का सीन जो है भैरव का वो है भाई बंद, मतलब कि जो केबल चलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता, केबल चलती है जिससे झूला जो भी चलती है वो भाई सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो या तो अब ऐसा करना पड़ेगा हमें स्टे लेना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर या इसके अलावा अपना स्टे नहीं, पैदल जाके भैरव पे जाए। तो भाई फिलहाल हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, 1 घंटे के अंदर हमारे दर्शन निमट गए। फिलहाल भीड़ देख रहे हो तुम, अब चढ़ाई कर देते हैं हम भैरव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे भाई को पैदल ही जाना पड़ेगा। फाइनली भाई मंदिर पहुंच रहे, सीढ़ी सीढ़ी में भाई फिलहाल भैरव प्रसाद में चढ़ा दिया, दर्शन भी कर लिए, धूप बत्ती चढ़ दी, और मैंने जीता तो धागा है वो मैंने 10 ले लिए सबके लिए, क्योंकि एक तो भाई का फोन आया था घर से ही गांव से ही कि कह रहा भाई मेरे लिए स्पेशल तू भैरव से ही जाना, और नीचे से बोले यार भैरव से लेके आना, भाई तेरे लिए बोल रहा हूँ भैरव से लिया अंकित है ना। अब चलते नीचे भाई, 12:02 हो चुके हैं फिलहाल, निकलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। और भाई लोगों आप सबको एक चीज बताऊं कि हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की बारिश आ रही, क्योंकि अब भेजने के स्नोफॉल हो रही। हाँ भाई एक तो ना लाइट नहीं आ रखी ऊपर से घोड़े वाले, भैया आगे मार रहे हैं हम, तुम निकलने दो जब तक, तो बादल है बादल बादल है बादल आ गए नीचे, ये आसमानों की ऊंचाई में ये पूरा कोहरा ही कोहरा, ये क्या हो रहा है भाई आगे पूरा रेड रेड है, अब डर भी तो लग रहा है जाके आग लग रही है, क्या है क्या नहीं है भाई, ये देखना ही हो क्या रहा है, मैंने कहा जाके मैं, अरे ये वो है दुकारी जो स्क्रीन लग रही है वो है, हाँ वही है वही वही है, ये रही ना मैं, यार क्या हो गया भाई ऐसे बहुत तेज, और ऊपर से बादलों में उधर चमक रही है, हो गया है आवाज देख रहे हो तो, बारिश की कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है, और फिलहाल भाई बारिश बहुत तेज हो गई, ऑलरेडी हम थोड़े बहुत भीग चुके, अब यहाँ पे रुकने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम भीग चुके हैं, ऊपर से हवा चले ठंडी, अब कितनी देर बारिश रुकेगी कितनी देर में नहीं रुकेगी कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ कुछ जगह बीच में तीनों के गैप है तो वहाँ पे भाई बारिश आती है, तो मैं घर वालों से यही बोल रहा हूँ मैं भाई चलते रहो, चल रहे भाई, और थोड़ा बहुत तो भीजे हैं, अगर ये हवा में रात यही करेंगे भाई कुकड़ के हमारे ठंड में लग जाएगी बहुत कड़ी वाड़ी, ठीक है ना, तो इसलिए प्यार से चल रहे हैं जहाँ टीम नहीं मिलती, तो अभी तो हिल डिसेंट कंट्रोल भी काम नहीं कर पाया हमारा भाई, अरे भाई साहब बैठो नजारा ऑटो में भी, अरे भैया भाई होटल पहुँच कर देते सारे, यो खड़ी अपनी गाड़ी बारिश में, यो भी वॉश हो ली भाई ना छोटे तो है, चाल ही चेंज हो गया हमारे तो भाई, बज रहे हैं भाई 1200 के उठ चुके हैं भाई, जो रात
बारिश थी जो ठंड लगी ना रात, मतलब तो मैं रात शूट नहीं कर पाया था, अभी सुबह शूट कर रहा हूँ क्योंकि रात आया था फोन में बैटरी थी नहीं, और फोन में जब चार्ज लगाया तो उसमें ना पानी चला गया, भीग गया था फोन तो चार्ज नहीं हो रहा था, तो फिर मैं तो चार्ज लगा के छोड़ दिया था, मगर जब सही हो जाएगा अपना चार्ज हो जाएगा। तो भाई कर देते इस ब्लॉग को यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई जो दर्शन हुए वो सब कुछ अच्छे थे, बट भाई जो वापस आते वक्त जो मौसम बदला ना, जो ठंड पड़ी तगड़ी थी, बहुत तगड़ी हो रहा है मेरे यहाँ शोल्डर, ये चिपची थी तगड़ी आ रही है अभी, देखिए बनाई बोर्ड थी भाई। चलो बाय।